टीकमगढ़ जिला अस्पताल परिसर में अस्पताल के मेन गेट के सामने बोरवेल के चेंबर के अंदर अज्ञात नवजात शिशु का शव मिला है। बोरवेल की मोटर सुधारते समय जानकारी लगी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि फिलहाल अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मामले की जांच की जा रही है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। सर बताएं, जो नवजात बच्चा मिला है कब का है, कहाँ से सूचना मिली है आपको? ये अस्पताल परिसर में ओबीडी के सामने कैंपस में एक छोटा सा वो जो पाइपलाइन का वो है चैम्बर, उसमें था वो बच्चा। तो वो जो गार्ड वाला है उसने हमें सूचित किया है। उसके ऊपर हम उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम वगैरह कार्रवाई की खबर ही रहती है। जो भी उचित होगा, कोई अज्ञात महिला है जिसको वो उसको लावारिस सालन छोड़ के उसकी पहचान छुपाने के हिसाब से उसको छोड़ के चली गई, उसमें कार्रवाई। क्या लगता है सर, कब कितने दिन का है और कितना समय उसको डले हुए है? अभी ऐसे नहीं किया जा सकता। वो पीएम रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब से पूछेंगे पीएम रिपोर्ट में, और डॉक्टर साहब से पूछ के ही बताएंगे वो कितना टाइम कैसा हुआ है। अभी लगता है ऐसे रहा है, अभी हाल का है, हफ्ते भर शायद 15 दिन के बीच में। तो अभी डॉक्टर साहब से क्लियर करके हम उसमें बताएंगे आगे जो भी है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी लगे हुए हैं, फुटेज से आप निकलवाएंगे कहाँ से है, मैटरनिटी क्या से हुआ है या कोई और बाहर से छोड़ गया उसको, वो सीसीटीवी फुटेज से हम ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और दूसरे सोर्स से उनसे भी देखेंगे कि कहाँ से कैसा आया है, उस पर कार्रवाई जरूर की है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।